बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जिक्र किस नबी का किया है? सही जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। औरतों में सबसे पहले किसने कुरान मजीद हिफ्ज किया? सही जवाब है हजरत हफ्सा बिनत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने। वो कौन सी नमाज है जिसको अदा करने के लिए अजान नहीं दी जाती? सही जवाब है नमाज जनाजा और नमाज ईदैन। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नाम मुहम्मद किसने तजवीज किया? सही जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुतलब ने। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कितने साल मक्का मुकर्रमा में कयाम फरमाया? सही जवाब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने 53 साल मक्का मुकर्रमा में कयाम फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हज का जिक्र कितनी बार किया है? सही जवाब है 11 बार। कुरान मजीद में जमीन का जिक्र कितनी बार आया है? सही जवाब है 453 बार। अल्लाह ताला ने किस औरत को नबी बनाकर दुनिया में भेजा और उसका नाम क्या है? सही जवाब है नहीं, अल्लाह ताला ने किसी औरत को नबी बनाकर दुनिया में नहीं भेजा।